अब आपको सीधा मथुरा लिए चलेंगे, जहां पर कि गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत माहेश्वरी जी, यहां पर उपस्थित हमारे सारे विधायक के प्रत्याशी गण, श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, लक्ष्मीनारायण जी खड़े हो जाइए भाई, ताली बजाओ लक्ष्मीनारायण जी के लिए, श्री पूरन प्रकाश जी बलदेव के विधायक है, गोवर्धन के प्रत्याशी आगे राउंड है वहीं पर है, श्रीकांत जी भी मेरे साथ अभी राउंड में थे और राउंड में गए हैं, श्रीकांत जी भी आ गए हैं, और आज यहां विशेष जो वृंदावन मथुरा से संतगण उपस्थित है इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और आज इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मथुरा वृंदावन के प्यारे भाइयों बहनों आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं 2022 के यूपी इलेक्शन के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं, क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंग करने की आचार संहिता बनाई है, भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है, और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा वृंदावन गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही है। कहीं पर भी जाते हैं अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं, तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम देते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ, 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। मथुरा की दिव्यता भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थस्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए, और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देता है। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा, 2013 में
मैं यहां प्रभारी बनकर आया था, 14 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था, आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं ब्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं, ये 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूंगा। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता, अगर विकसित नहीं होता ये प्रदेश तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं ननिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है बताओ? अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा इसका चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी दूसरी जाति का काम करती थी, कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद परिवारवाद और तुष्टिकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टिकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या?